दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो CSJMU कानपुर यानी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका बैक लग गया था या फिर बैक लग गया है उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, जैसे रिजल्ट आया BSc एग्रीकल्चर वालों का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स का किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आ गया। उसके बाद से कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि क्या करें, बैक लग गया, एक नंबर के चलते बैक लग गया, दो नंबर के चलते बैक लग गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने उन लोगों को रिकमेंड किया कि जितने स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि मैंने कॉपी में अच्छा लिखा था और फिर भी बैक लग गया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा था कि आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए। कई सारे स्टूडेंट्स स्क्रूटनी का फॉर्म भर भी दिए। उनका जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट जो जिन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा था उनका कॉपी उनके ईमेल पे आ भी गया है, लेकिन उसके बाद उस स्टूडेंट को क्या करना होगा ताकि उनका कॉपी रीचेक होगा और कॉपी रीचेक कैसे होता है, कॉपी को दोबारा कैसे चेक किया जाता है, उसका क्या टर्म होता है, और जो छात्र अभी तक स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरे हैं वो कैसे भर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल यानी अगर आप एग्री मस्ती चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है कि दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, अतः इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे साथ कानपुर यूनिवर्सिटी की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में हर छोटी बड़ी न्यूज़ के साथ साथ BSc एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट का नोट्स भी भेजा जाता है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बातें तो बहुत कर लिया मैंने, अब दोस्तों जो आज का पहला सवाल है कि जो छात्र स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिए थे जिन्होंने, और उनका स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद उनका कॉपी जो है वो ईमेल पे आ गया है, अब ऐसे छात्र क्या करेंगे जिनका कॉपी ईमेल पे आ गया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पे कॉल्स मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए, जिस स्टूडेंट का कॉपी ईमेल पे आ गया है उस स्टूडेंट को आगे क्या करना है ताकि उनका कॉपी रीचेक किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन जिस टाइम किया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, जिस टाइम आपने पैसे पे किया होगा उस टाइम आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिला होगा, तो उन दोनों का प्रयोग करके आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, तो आप इस ये वेबसाइट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने जिस स्टूडेंट ने ये प्रोसेस कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, यहाँ पे डाउनलोड स्क्रूटनी सबमिशन रिपोर्ट ये भी कर लिया, और जिसके पास ट्रांजैक्शन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों है, उसके बाद जिनका कॉपी आ गया है वो स्टूडेंट ये जो ऑप्शन दिख रहा है स्क्रूटनी चैलेंज इवेल्युएशन, इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों इस पर जैसे स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे तो उनसे एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कराने के लिए या कॉपी को दोबारा रीचेक कराने के लिए उस स्टूडेंट से 2500 रुपया मांगा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 300 रुपया दे करके रजिस्ट्रेशन करा लिया, ट्रांजैक्शन नंबर भी आ गया, कॉपी ईमेल पे भी आ गया, अब तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस स्टूडेंट का बैक आ गया है और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका कॉपी दोबारा चेक किया जाए तो ऐसे छात्रों को 2500 रुपये एक विषय का देना होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी एक टर्म है कि आपका कॉपी दोबारा कैसे चेक किया जाएगा। दोस्तों इसमें एक ऐसा टर्म है जो कि कई सारे छात्रों को कन्फ्यूजन पैदा कर देता है और बहुत सारे छात्रों का जो पैसा होता है वो डूब जाता है। और दोस्तों वो टर्म क्या है, आइए समझते हैं उस टर्म को। देखिए, यूनिवर्सिटी का कहना है कि टोटल जो पूर्णांक होता है वो आपका पेपर का 50 नंबर होता है, और उस 50 नंबर का जब आपका कॉपी रीचेक किया जाए तो कम से कम 15% मार्क्स आना चाहिए। लाइक समझिए आप इस उदाहरण पे कि जैसे आपने कॉपी को रीचेक कराया तो आपके पूरे कॉपी को रीचेक करने के बाद आपको कम से कम 7.5 यानी 7.5 नंबर बढ़ना चाहिए, तब तो ही आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका एक नंबर 17 नंबर दिया हुआ है, आपका बैक है और आपके कॉपी रीचेक करने के बाद 18 नंबर आ गया तो आपका बैक क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह यूनिवर्सिटी का नियम होता है कि अगर आपके टोटल पूर्णांक का 15% मार्क्स आएंगे रीचेक करने के बाद तो ही आपके नंबर इंक्रीज किए जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक इस बात को नहीं जानते थे कि कितना पैसा लगता है, क्या टर्म होता है, ऐसे स्टूडेंट्स का जो दिमाग में सवाल घूम रहा था, आई होप कि वो सवाल ख़त्म हो गया होगा। और ऐसा स्टूडेंट जो कि अभी तक स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, उन लोग के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके कॉपी रीचेक करने के बाद 7 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं तो ही आप अपना कॉपी को रीचेक करने के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर ले लीजिएगा, उसके बाद आप इस पर
ये जो दिख रहा है आपका स्क्रूटनी चैलेंज इवेल्युएशन को चैलेंज करिएगा, क्योंकि अगर आपके 7 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो आपके एक भी नंबर भी नहीं बढ़ाए जाएंगे और आपका 2500 रुपया ये स्क्रूटनी का चैलेंज वाला और 300 रुपया रजिस्ट्रेशन वाला सब बेकार चला जाएगा। अतः जिस स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में बैक है उस स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग बैक पेपर का फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो बैक पेपर का फॉर्म भरने में आपका कम पैसा भी लगता है और आप फिर से तैयारी करके आप उस पेपर को निकाल सकते हैं बढ़िया से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों अगला वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूँगा कि बैक पेपर वालों का रिजल्ट का क्या हाल है और बैक पेपर का फॉर्म कब भरे जाएंगे। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में जितने ही बातें बताई गई आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल एग्री मस्ती को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के सभी जो अकाउंट्स हैं उस पर जुड़ जाएं, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।